फेमस पूर्वांचल विकास संस्था का सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह संपन्न। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फेमस पूर्वांचल विकास संस्था द्वारा आयोजित उत्कृष्ट नागरिक व छात्र सम्मान समारोह का कार्यक्रम शहर के एक निजी पैलेस में आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर उप जिलाधिकारी वीर बहादुर सिंह यादव ने सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात प्रीति सिंह SRG मिशन प्रेरणा गाजीपुर ने सरस्वती वंदना व अतिथियों के लिए स्वागत गान प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीर बहादुर सिंह यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा एवं टैलेंट को प्रत्येक लोगों को अवगत कराना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस कंपटीशन द्वारा बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम पर्यवेक्षक एवं दायक प्रवक्ता हरिओम प्रताप यादव ने कहा कि छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के समानांतर सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, इससे विद्यार्थियों की प्रतिभा भी निखरती है। हर छात्र को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि लेनी चाहिए। अपने उद्बोधन के उपरांत मुख्य अतिथि अपर उप जिलाधिकारी ने संस्था द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों की 9 हस्तियों को पूर्वांचल रत्न से सम्मानित किया गया। आपका परिचय? जी, हम फेमस पूर्वांचल विकास संस्थान के प्रबंधक अभिषेक कुमार सिंह हैं। आपके कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और इस कार्यक्रम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये हमारा कार्यक्रम जो है जीके कंपटीशन कराती है, मेहंदी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन कराती है, जो कि 3-4 महीने चलता है। स्कूल में प्रोग्राम चलता है, हर एक इंटर कॉलेज पब्लिक स्कूल डेली कॉलेज हमारा कार्यक्रम चलता है, और जो बच्चे पास होते हैं उनको एक सामूहिक कार्यक्रम में बुला के पुरस्कृत किया जाता है। जो टॉप बच्चे होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। इसके साथ साथ हम कार्यक्रम और भी चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे डॉक्टरों को सम्मानित करना, और भी जैसे पत्रकारों को सम्मानित करना, विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधों को सम्मानित करना, इस तरीके से हम कार्यक्रम करते रहते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मेरा यही है कि हम चाहते हैं कि हर एक विद्यालय में बच्चे भाग लें, और ऐसे प्रतियोगिता कराने से बच्चों में मनो पासिंग होते हैं तो मनोबल जो है बढ़ता है। और ये